जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र ऑफिशियली जारी हो सकता है, जहां राहुल गांधी इसकी लॉन्चिंग कर सकते हैं। अलग अलग मंच से अब तक 17 घोषणाएं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के द्वारा की जा चुकी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है और खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वो घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घोषणा पत्र बनाने को लेकर एक टीम तैयार की थी, जहां मंत्री मोहम्मद अकबर की अगुवाई में इसे तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को हर वर्ग से हजारों सुझाव मिले हैं, जिसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और अलग अलग समुदाय को साधने का प्रयास दिखने वाला है। कई अहम ऐलान किए जाएंगे। हालांकि इसके पहले अलग अलग मंचों से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी महत्वपूर्ण ऐलान और वायदे कर चुके हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र में न ही कपट पत्र जारी किया है, ये बातें यहाँ पर भाजपा ने वादों को कांग्रेस ने यहाँ कपट पत्र करार दिया है, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस का। जहाँ पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये घोषणा पत्र भाजपा कांग्रेस की नकल करने की कोशिश है। 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग में घोषणा करते हुए कहा और कहा कि ईडी ने 5 करोड़ पकड़े तो सीएम बौखला गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जनसभा को संबोधित किया, जहां कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन योजना का फायदा अगले 5 साल तक बढ़ाने वाली है। चुनावी रैली में पहुंचे नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर 9,500 करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चहेतों को नौकरी देने के लिए यहां पीएससी घोटाला हुआ। कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। दुबई में बैठे सट्टेबाजों के करोड़ों रुपए जब ईडी ने पकड़े तो यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर क्यों बौखला गए? इन घोटालेबाजों के साथ उनके क्या संबंध है? प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, 30% पक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इस सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। फिलहाल दुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने यही बातें कही। सरगुजा संभाग में बीजेपी का घोषणा पत्र अलग से लॉन्च हुआ है, जहां संभाग स्तर पर सिम्स हर आदिवासी परिवार को 2 बकरी और 5 लाख वन अधिकार पट्टा देने की घोषणा इस पत्र में करी गई है। दरअसल भाजपा ने बीते दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया था, जहां भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने सरगुजा संभाग के लिए एक अतिरिक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें वनोपज संग्रहण की दर को बढ़ाकर 5,500 रुपये करने, बोनस देने, वनोपज संग्रहण की दरें बढ़ाने के साथ ही 5 लाख वन अधिकार पट्टा देने का वायदा किया गया है। नितिन नवीन ने कहा है कि भाजपा के संभाग स्तर पर एक्स की तर्ज पर सिम्स, इसके अलावा सीआईटी और साथ ही 18 लाख लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने का वादा किया, जिसका लाभ सरगुजा को मिलेगा। हम किसानों को 21 क्विंटल धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदेंगे और इसका एकमुश्त भुगतान करेंगे। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी है, जिसे हर में पूरा किया जाएगा। फिलहाल ये सभी बातें नितिन नवीन ने कही है अतिरिक्त घोषणा पत्र में सरगुजा संभाग के लिए। पहले चरण के मतदान के लिए आज जो है प्रचार प्रसार थमने वाला है और 7 नवंबर को इसकी वोटिंग होने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत प्रथम चरण के मतदान के लिए अब विधानसभा क्षेत्रों वाले जितने भी क्षेत्र हैं जहां 7 नवंबर को मतदान होना है, वहां आज शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार थम जाएगा। और बात करें तो यहाँ दोपहर 3 बजे तक और सवेरे 8 बजे तक जो है मतदान समय वाले विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी 5 नवंबर शाम 5 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 233 उम्मीदवार हैं, जिनमें 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी हैं। प्रथम चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा 10 विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोंगरगढ़ आ सकते हैं। जैन आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेंगे और तकरीबन एक घंटे तक चंद्रगिरी में प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे तीर्थ चंद्रगिरी में तकरीबन एक घंटे तक रुकेंगे। जैन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में विराजमान है। प्रधानमंत्री मोदी आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेने डोंगरगढ़ आने वाले हैं। वहीं सुबह 11 बजे तक उनके पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री के आने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से सीधे रायपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, इसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी हेलीपैड पर लैंड करेंगे। प्रज्ञागिरी हेलीपैड से चंद्रगिरी तक वे विशेष कार के माध्यम से जाएंगे और चंद्रगिरी में प्रधानमंत्री मोदी आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। साथ ही कुछ देर तक आचार्य से चर्चा भी की जाएगी। बिलासपुर में 4000 से अधिक जवानों की तैनाती चुनाव के मद्देनजर रहने वाली है। संवेदनशील मतदान केंद्रों में सशस्त्र जवानों की तैनाती होगी, जबकि एसपी ने चुनाव के लिए 44 कंपनियों से इसके लिए मदद भी मांगी है। दरअसल बिलासपुर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 4000 से अधिक जवानों की तैनाती की जाएगी। एसपी ने 44 कंपनियों से इसकी मांग की है, जिनमें 36 कंपनी के आने की संभावना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के 351 अति और संवेदनशील मतदान केंद्रों में सशस्त्र जवान तैनात रहने की बात कही है। जिले के सभी विधानसभा सीटों पर मतदान दूसरे चरण में संपन्न होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के बस्तर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के बाद केंद्रीय बलों की कंपनियां बिलासपुर आने वाली है, जिनमें कुल 1509 मतदान केंद्र शामिल है। और अब खबर कवर्धा से आ रही है, जहां 26 गांवों के किसानों का चुनाव बहिष्कार जारी रहने वाला है। किसानों द्वारा विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय अभी भी जारी है। कुछ दिनों पूर्व ये बात सामने आई थी कि किसान अब मतदान करने के लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपनी घोषणा पत्र में सुतियापार जलाशय के नहर विस्तार का उल्लेख नहीं करने के कारण इनकी नाराजगी अब यथावत है। किसानों के 5 साल की लड़ाई और संघर्ष अब अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। या तो सुतियापार नहर विस्तार पर प्रशासन कोई निर्णय ले ले, या फिर किसान चुनाव का बहिष्कार जारी रखे। कहीं कहीं राजनीतिक दलों के द्वारा खबरें भी फैलाई जा रही थी कि भारतीय किसान संघ के द्वारा मतदान बहिष्कार को वापस ले लिया गया है। ये बात जब संघ को पता चला, तब संगठन के द्वारा तुरंत 26 गांवों के प्रमुखों के साथ बैठक करके इस खबर को संज्ञान में लिया गया। किसानों द्वारा एक स्वर में बताया गया कि हमारा संकल्प यथावत है और इस निर्णय को हम कभी नहीं बदलने वाले। सभी 26 गांवों के जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय को मानेंगे। बीते दिन खैरबना में भारतीय किसान संघ के द्वारा आयोजित बैठक में किसानों के द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया कि जो भी राजनीतिक दल या संगठन सुतियापाट नहर विस्तार को प्रमुख मांग के रूप में अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, किसानों के साथ उनके लड़ाई में साथ का संकल्प देगा, किसानों द्वारा उसे समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। ईवीएम में इस बार गैस सिलेंडर, गुब्बारा, पेंसिल शार्पनर और ब्लैक बोर्ड जैसे कई नए चुनाव चिन्ह भी देखने को मिलने वाले हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार ईवीएम मशीनों में गैस सिलेंडर, गुब्बारा, पेंसिल शार्पनर, हीरा, ब्लैक बोर्ड, सीटी, इसके अलावा टेलीविजन, दूरबीन, कैंची, उपहार, एयर कंडीशनर, नारियल फॉर्म, इसके अलावा बाल्टी इत्यादि भी चुनाव चिन्ह के तौर पर दिखेंगे। नामांकन वापसी के बाद सभी निर्दलीय प्रत्याशियों को उनका मनचाहा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। मतदान के दौरान मतदाता निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम के साथ इस चिन्ह का उन्हें देखकर उन्हें वोट कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के आवंटित चिन्ह के साथ चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों को आवंटित करने चुनाव चिन्ह की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के पहले से ही चुनाव चिन्ह आरक्षित है। वहीं गैर मान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीयों के लिए मुक्त चुनाव चिन्ह की सूची जारी की गई है। बीजेपी की सरकार आई तो लव जिहाद को बंद करा देंगे। भानुप्रतापपुर में धर्मांतरण पर योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूपी होता तो तेल निकाल देते। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर पहुंचे, जहां इन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। योगी ने कहा कि पहले कांग्रेस पर खनिज घोटाला करने का आरोप लगा था और अब गोबर घोटाला करने का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
छत्तीसगढ़ की सरकार रामनवमी के उत्सव पर लाठीचार्ज करवाती है, त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने नहीं देती, दूसरी तरफ लव जिहाद के उपद्रवियों को संरक्षण देते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करती है। यूपी में लव जिहाद को बंद करा दिया गया है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसका तेल निकाल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही यहाँ भी लव जिहाद बंद करा दिया जाएगा, ये बातें जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कही। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के ट्रांसफर घोटाले को लेकर के प्रमुख सचिव की कमेटी अब निराकरण करने वाली है। दरअसल शिक्षक ट्रांसफर घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा आदेश देते हुए प्रमुख स्कूल जो सचिव है शिक्षा विभाग के, इनको अध्यक्षता में कमेटी बनाने को कहा है, जहाँ कमेटी में 5 ज्वाइंट डायरेक्टर सदस्य होंगे। यह कमेटी सभी मामलों की सुनवाई करेगी। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर संशोधन निरस्त हुआ है वे इस कमेटी को अभ्यावेदन देंगे और ये कमेटी निर्णय करने वाली है। बात करें तो जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सरकार ने 2713 शिक्षकों का ट्रांसफर संशोधन निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने भी इन्हें इस पर स्टे करने से इनकार कर दिया था। इन शिक्षकों की स्थिति अब कहीं की न रह गई थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दे दिया था और सरकार ने ट्रांसफर निरस्त कर दिया था, इस वजह से उन्हें वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा इस पर ध्यान आकृष्ट किया गया। जस्टिस अरविंद चंदेल ने आदेश दिया है कि इसके लिए शिक्षक विभाग को अभ्यावेदन दिया जाए। अफसरों के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेने वाला भाजपा ही है। ईडी की कार्यवाही पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दावा किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 नवंबर को हुई छापेमारी के बाद अगले दिन ईडी ने पकड़े गए आरोपी असीम दास के हवाले से जो बड़ा दावा किया था उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का दावा है कि जिस असीम दास का नाम के ड्राइवर ने ईडी को बयान दिया है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है, ये बातें यहाँ कांग्रेस के द्वारा करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने असीम के साथ बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा की फोटो भी दिखाई है, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह के साथ भी इन्होंने फोटो दिखाई है। ईडी ने 3 नवंबर को अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि महादेव सट्टा ऐप के लोगों ने सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा है कि ईडी और बीजेपी ने मिलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि को खराब करने की साजिश रची है। ईडी ने सिर्फ एक आरोपी के फौरी बयान के आधार पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी जांच के पैसे लेन देन के प्रेस नोट जारी कर हड़बड़ी में जारी कर दिया है। फिलहाल ये आरोप जो है कांग्रेस के द्वारा लगाया गया। बीजेपी विधायक प्रत्याशी विजय शर्मा विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। कवर्धा के प्रत्याशी हैं, जहां किसान को धमकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का यही चरित्र है। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल काफी गर्मा गर्मी है। राज्य में हर तरफ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तीखी बयानबाजी है और इसी बीच कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा का किसान को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी करार दिया है। साथ ही गुंडागर्दी बता डाला और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि विजय शर्मा की छवि गुंडा प्रवृत्ति की है। चुनाव के लिए जो भी वाहन कम पड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र से अब अधिग्रहित किया जा रहा है। राजनांदगांव लोकसभा के 8 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। प्रशासनिक तैयारियां कंप्लीटेड है। पोलिंग पार्टी अपने मतदान बूथों के लिए एक दिन पहले ही रवाना होंगी। इसके लिए बस व मालवाहकों के साथ छोटी बड़ी गाड़ियों की आवश्यकताएँ होती है। इस बीच राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार करने के लिए बड़ी संख्या में टैक्सी गाड़ियों को हायर किया गया है। यही कारण है कि राजनांदगांव जिले और साथ अन्य जिलों में मतदान प्रक्रिया निपटाने के लिए परिवहन विभाग को और प्रदेश की गाड़ियां नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से परिवहन विभाग के द्वारा महाराष्ट्र राज्य से भी गाड़ियां अधिग्रहित की जा रही है। हालांकि परिवहन विभाग के अफसर ये नहीं बता रहे हैं कि महाराष्ट्र से कितनी गाड़ियों को अधिग्रहित किया जा रहा है। आयकर का रियल स्टेट एक्सप्लोजिव और सीए के 16 ठिकानों पर छापा मारा गया है। आयकर विभाग की टीम ने रायपुर और जबलपुर के रियल स्टेट जो है कारोबारियों के यहाँ कुल मिलाकर 16 ठिकानों पर छापा मारा है। इसमें रियल स्टेट कारोबारी ग्रुप के 3 संचालक भाटागा वीआईपी और मोआ स्थित घर, दफ्तर और कारोबारी के पार्टनर के देवेंद्र नगर के घर, फाफाडीह के दफ्तर और उरला स्थित फैक्ट्री शामिल है। इस समय आईटी के अधिकारी दस्तावेजों और लेन देन की जाँच कर रहे हैं। छापे की ये कार्यवाही आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है। जगदलपुर के बाद खरसिया में अब राहुल गांधी की सभा आयोजित होगी, जहां इन्होंने कहा कि अगर देश में कोई जाति नहीं तो मोदी जी खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं।
दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिन जगदलपुर में लालबाग मैदान में सभा आयोजित की। इसके बाद उन्होंने खरसिया में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। इनके भाषण का पूरा फोकस आदिवासियों पर रहा। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि आप कहते हैं कि देश में सिर्फ एक जाति है, वह है गरीब, अगर ऐसा होता तो खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। वह खरसिया में राहुल गांधी ने नंद कुमार पटेल को याद करते हुए कहा कि अगर वे आज जिंदा होते तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे, इसलिए उनके बेटे उमेश पटेल को भारी बहुमत से आप लोगों ने जिताया है। भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी मतलब भारतीय जुमला पार्टी। बिलासपुर में केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के तीन स्तंभ है, ईमानदारी, देशभक्ति और इंसानियत। कांग्रेस पर इन्होंने अपनी चुप्पी साध ली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिलासपुर जिले में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी पर तो जमकर निशाना साधा, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मान ने बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी करार दिया। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मदास भार्गव के पक्ष में आयोजित रोड शो में इन्होंने अपना जो है जमकर प्रचार प्रसार किया, और साथ ही जब ये प्रचार प्रसार रथ जोंधरा चौक पर पहुंचा तब दोनों नेता पहुंचे और इन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक भी मौजूद रहे।